देखो मैं आ गई, मैं तुम्हारे लिए मटर पनीर की सब्जी चावल लेकर आई हूँ। आज मालकिन के घर पार्टी थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बचा कर लाई हूँ। दीदी मैं अकेले नहीं खाऊंगी, हम दोनों मिलकर खाएंगे। माँ बाबा के मरने के बाद आप ही मेरे सब कुछ हो। दोनों बहनों के बीच बहुत प्यार था। माता पिता के मरने के बाद छोटी सी उम्र में ही टुनटुनी ने अपने कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। एक दिन दोनों बहनें घर का कुछ सामान लेकर बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें घायल खरगोश दिखाई दिया। अरे लगता है इस खरगोश के पैर में चोट लग गई है, बेचारा चल नहीं पा रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर टुनटुनी घायल खरगोश को अपने घर ले आई। उसके बाद खरगोश की मरहम पट्टी की और दाना पानी भी पिलाया। दोनों बहनें उस खरगोश का बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। टुनटुनी उसे खाने के लिए गाजर देती है, लेकिन खरगोश कुछ नहीं खाता। प्यारे खरगोश, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या कोई परेशानी है तुम्हें? तभी खरगोश वहाँ से भागने लगता है। टुनटुनी और पिंकी उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुँच जाती है। कुछ देर बाद वो खरगोश उन्हें जंगल के बीच बने घर के पास ले गया। अरे ये क्या, जंगल के अंदर इतना सुंदर घर आखिर किसका हो सकता है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। फिर दोनों बहनें उस घर के अंदर गई, तभी उन्हें कुर्सी पे बैठा हुआ जादूगर कौवा दिखाई दिया। तुम दोनों आ गई, मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था, आओ मेरे पास आओ। आप कौन हो और आप हमें कैसे जानते हो? तुम दोनों मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आती थी, वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की चिड़िया थी। मरने से पहले वो मुझे कुछ दे गई थी, अब समय आ गया है कि मैं वो चीजें तुम्हें सौंप दूँ। ऐसा कहकर जादूगर टुनटुनी को एक अंगूर का गुच्छा देते हुए बोला, ये लो बेटी, यह जादुई अंगूर है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें देने को कहा था। ये कहते हुए जादूगर ने टुनटुनी के हाथों में जादुई अंगूर थमा दिए। उसके बाद जादूगर पिंकी को अनार देते हुए बोला, पिंकी बेटी तुम्हें अनार बहुत पसंद है ना, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें जादुई अनार देने को कहा था। तुम दोनों जादुई अनार और अंगूर को ले जाकर खुले मैदान में रख देना, फिर जादुई अनार और अंगूर का कमाल देखना। उसके बाद खुश होते हुए वो दोनों जादुई अनार और अंगूर लेकर खुले मैदान में गईं। फिर वो दोनों जादुई अनार और अंगूर को खुले मैदान में रख देती हैं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ, जादुई अनार एक बहुत बड़े जादुई घर में बदल गया, वहीं अंगूर एक बहुत बड़े अंगूर घर में बदल जाता है। अरे वाह पिंकी, मैंने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा, माँ ने हमें कितना अच्छा तोहफा दिया है। चलो पिंकी अपने अपने घर के अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने घर के अंदर चली गईं। जादुई अनार अंगूर घर ढेर सारे पैसों से भरा हुआ था, ये देख दोनों बहनें खुशी से झूम उठी। अब उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गईं। इतना ही नहीं, जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती वो अपने अपने जादुई सेवर अंगूर घर से मांग लिया करती। टुनटुनी जादुई अंगूर घर से गरीब पक्षियों की मदद भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी रास्ते में कुछ पक्षी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देख टुनटुनी दुखी हो तो ये बोली, देखो तो जरा कितने बेसहारा हैं ये लोग, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। टुनटुनी गरीब पक्षियों की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत अपने जादुई अंगूर घर में गई। हे जादुई अंगूर घर, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मुझे उस बेचारे गरीब पक्षियों की मदद करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जितनी चाहे धन दौलत यहाँ से ले जा सकती हो। ये कहते हुए जादुई अंगूर घर ने टुनटुनी को ढेर सारे पैसे दिए। फिर उन पैसों को ले जाकर टुनटुनी ने उन गरीब पक्षियों की मदद की। तुम इन पैसों से अपना कोई छोटा मोटा काम करना शुरू करना और आज के बाद तुम कभी भी भीख मत मांगना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, भगवान आपको सदा खुश रखे। वहीं दूसरी तरफ पिंकी धीरे धीरे बहुत ही घमंडी हो गई, वो दूसरों की मदद भी नहीं करती थी। एक दिन पिंकी कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बूढ़ा तोता दिखाई दिया। बिटिया सुनो बिटिया, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्यों रे बुड्ढे, मेरे पास के पैसों का पेड़ लगा हुआ है, जो तुझे उसमें से तोड़ कर दे दूं, काम तो कुछ किया न।
जाता है। तुम मेरा गलत फायदा उठा रही हो, तुम कभी भी किसी की मदद नहीं करती, ये गलत बात है। तुम अपनी बकवास बंद कर, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी मालकिन हूँ, इसलिए जो मैं कहती हूँ चुपचाप वही कर। पिंकी की ये बात सुनकर जादुई अनारगढ़ को गुस्सा आ जाता है और वो गायब हो जाता है। जादुई अनारगढ़ के गायब होते ही पिंकी पहले जैसे गरीब हो गई। उसके पास जो भी कीमती सामान था वो भी अपने आप गायब हो गया। फिर पिंकी रोते रोते अपनी बड़ी बहन टुनटुनी के जादुई अंगूर घर के पास जा पहुँची। लेकिन जैसे ही उसने जादुई अंगूर घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, तभी पिंकी को जोरदार झटका लगा। पिंकी की रोने की आवाज़ टुनटुनी बाहर आई। क्या हुआ पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? फिर पिंकी रोते हुए अपनी बहन टुनटुनी को सारी बात बताती है। ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें पता है लालच करना कितनी बुरी बात होती है। ज्यादा लालच करने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। अच्छा रोना बंद करो पिंकी, अब से तुम मेरे साथ जादुई अंगूर घर में रहना। उसके बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी जादुई अंगूर घर में रहने लगी।